हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस से रिलेटेड काफी कमाल के ओटीटी अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाल्कन द विंटर सोल्जर के न्यू प्रमोशनल आर्ट्स के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली है। और देन ये प्रमोशनल आर्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और आपको बता दूंगा इसका टीजर भी रिलीज होने वाला है कल मॉर्निंग में 5 बजे, तो देखिएगा जरूर। और देन अगर आप नहीं देख पाते हो, सोते रहते हो, तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। और देन ये प्रमोशनल आर्ट्स बहुत कमाल के हैं, और इनमें इनका फुल सूट देखने को मिला है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। देन इसी के साथ बात करते हैं न्यू पोस्टर के बारे में, जो कि वांडा विजन का रिलीज करा गया है। और देन इस पोस्टर में हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि अब 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और सब कैरेक्टर रिवील्ड हो चुके हैं। देन इसी के साथ राया द लास्ट ड्रैगन 5 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी इंग्लिश में। इसका भी ब्रांड न्यू पोस्टर रिलीज करा गया है, जो कि बहुत ही कमाल का है। अब बात करते हैं मूवी अपडेट के बारे में, तो गन्स अकिम्बो जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, तो अमेज़न प्राइम पर हिंदी तमिल तेलुगु में आ चुकी है, आप जाके देखो। आज के लिए सबसे बेस्ट टाइम पास ये मूवी है। स्पेस स्पेंजर जो कि 5 फरवरी को रिलीज हो चुकी नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में, बहुत ही कमाल की साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आप पे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो गाइस जाके देखो, आपका टाइम पास अच्छी तरीके से होगा। मिडवे जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, तो ये फाइनली लॉन्गेस्ट प्ले पे हिंदी लैंग्वेज में आ चुकी है, जाके देखो। अगर नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। फायर फ्लाई जो कि बहुत ही कमाल की कह सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज हो चुकी है। एड आस्ट्रा भी हिंदी में डिज्नी प्लस पर आ चुकी है, जाके देख सकते हैं। और देन बहुत ही कमाल की मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है, और देन आप जानते हो कि इनकी एक्टिंग कितनी बढ़िया है। उसके बाद न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड फाइनली 10 फरवरी को ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी, तो गाइस टॉम हैंक्स की है, बहुत ही कमाल की है, देखना जरूर। देन उसी के साथ द वॉकिंग डेड के ब्रांड न्यू 6 एपिसोड ये AMC पे रिलीज होंगे, और देन उसके बाद जब ये नेटफ्लिक्स में हिंदी अपडेट में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देन इससे पहले वाली हिंदी अपडेट में है मॉक्सी, जो कि 3 मार्च को हिंदी लैंग्वेज में कन्फर्म हो चुकी है रिलीज होगी, तो गाइस इसको भी जरूर देखिएगा। और देन जब स्ट्रीम होगी मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। देन आपके लिए एक बेहतरीन अपडेट, 2021 में माय हीरो एकेडमी जो कि एकेडमी मूवी है, PVR सिनेमा में ये मूवी लगेगी, डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। कमिंग टू अमेरिका का न्यू ब्रांड न्यू पोस्टर रिलीज करा गया, जो कि ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी 5 मार्च को, तो देखिएगा जरूर। और जैसी अपडेट आएगा कंफर्मेशन का, आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। और देन एक बेहतरीन अपडेट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर क्लोन वॉर के और एपिसोड हिंदी में डब हो रहे हैं ऑफिशियली, और देन संकेत मात्रे स्काई वॉल्कर की आवाज़ दे रहे हैं, तो गाइस मजे आने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर अपडेट के बारे में, तो वकांडा के ऊपर ऑफिशियली टीवी सीरीज बन रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, तो गाइस मजा आने वाला है, फुल वकांडा लाइव एक्शन टीवी सीरीज देखने को मिलेगी। सोनी प्राइम पर नेटफ्लिक्स बना रहा है एक न्यू ब्रांड न्यू टीवी सीरीज, ये मूवी से कनेक्ट होगी डायरेक्ट, तो देखने लायक होने वाला है। और देन डेट अभी तक कंफर्म नहीं है कब होगा। आर्मर वॉर में आपको जो कि डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज है, उसमें टोनी स्टार्क की डेथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जाएगा। और देन उसी के साथ जो लास्ट अपडेट है बहुत ही कमाल का, वांडा विजन के सारे एपिसोड्स के नाम रिवील कर दिए गए हैं, तो आप पॉज करके खुद ही देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।